नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। आज मैं ऐसी खबर से रूबरू मैं आपको करवाऊंगा, ड्रोन बनाने वाले को जो होगी कानूनी कार्रवाई। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ड्रोन बनाने के लिए और उड़ाने के लिए उसके लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो कि लाइसेंस डिजिटल स्काई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और डिजिटल स्काई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है लड़का, और वो लड़का जो है ड्रोन बनाता है और ड्रोन बनाकर जो है कहीं ना कहीं शहर में वो 200 मीटर ऊंचाई को उड़ाता है। और 200 मीटर ऊंचाई को उड़ाने के बाद ड्रोन जो है, ड्रोन का भी एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है। जो ड्रोन उड़ाता है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन, ये सब पर उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है शायद उस लड़का को पता नहीं। मैं बताने जा रहा हूँ आपको और रूबरू मैं करूँगा कि ड्रोन बनाना कितना हानिकारक है और कितना सही है। सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ आपको कि ड्रोन बनाने के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है, और डिग्री जो है आपके पास नहीं है तो हो सकती है जेल। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप ड्रोन बनाकर रेड जोन में उड़ाते हैं या ग्रीन या येलो जोन में उड़ाते हैं तो 10 साल की आपको हो सकती है कानूनी सज़ा। तीसरा पॉइंट मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है, सबसे पहले जो मैं बता दूं कि भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया था, और नोटिस जारी इस कदर किया था कि 8 जून 2022 को भारत सरकार पब्लिश नोटिस किया था कि ON और DN रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और उस लड़के का ये भी पता नहीं है कि ON और DN रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया हुआ है, और कहीं ना कहीं जो है ये कानून का जो है उल्लंघन करके जो है ये ड्रोन बनाता है, और ड्रोन बनाने के बाद जो है ये मिसयूज करके 200 मीटर 150 मीटर के हाइट पे रेंज पे उड़ाता है। मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे अगर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसके पास जो है ना नॉलेज है और ना ही एजुकेशन है और ना ही इंजीनियरिंग का कोई सर्टिफिकेट है। अगर मान लीजिए ड्रोन 200 मीटर पर ऊंच पर उड़ाता है, अगर ब्लास्ट कर जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। और मैं बता दूं आपके कि बड़े बड़े शहर में जो होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, और बिल्डिंग होने के कारागार पर जो देखते होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर अगर मान लीजिए किसी के घर पे अगर गिर जाती है, ब्रास्ट हो जाती है, तो क्या दशा हो सकता है। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे UIN का भी लाइसेंस लेना पड़ता है। UIN का भी लाइसेंस उसके पास नहीं है, ना ही उसके पास डिजिटल स्काई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, ना ही उसके पास इंपोर्ट डायरेक्टर का क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं है। वो लड़का जो है आगे चल के भविष्य में, हमारे भारत सरकार से अपील है कि ऐसे ऐसे जो नमूने लड़के हैं उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा जो है उसको पकड़ कर अरेस्ट करवाना चाहिए। और कहीं ना कहीं सबसे पहले जो बात मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले उसके गार्जियन को पकड़ना चाहिए, जो गार्जियन जो है बढ़ावा देते हैं और ऐसे ऐसे चीज़ को खरीद कर और ला कर देते हैं, ताकि उसका बच्चे का मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने के बाद जो है ये सब काम करता है। आगे चल के मान लीजिए अभी ड्रोन का उपयोग कर दिया, आगे चल के कुछ और चीज़ का उपयोग कर देगा, बाद में नुकसान होगा, हमारे भारत सरकार पर जिम्मेवारी आएगी या हमारे ये बिहार सरकार पर जिम्मेवारी आएगी, जो आखिर में यहाँ तक कि इसको ये भी पता नहीं है कि अगर ये ड्रोन मैं उड़ाता हूँ तो परमिशन किससे लेना चाहिए, अगर शहरी क्षेत्र में हम उड़ाएंगे तो वहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी ये लोग जो है अनुमति नहीं लिए हुआ है। और मान लीजिए ड्रोन ग्रीन येलो जोन में उड़ाते हैं या रेड लाइट जोन में उड़ाते हैं तो कितना हानिकारक हो सकता है।
तो ऐसे ऐसे नमूनों को जो है न पढ़ाई में इंटरेस्टेड रखते हैं, ना ही एजुकेशन है, ना ही ऐसे लोगों जो है ना, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम या हमारे इंजीनियरिंग एजुकेशन को जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो है बर्बाद कर रहे हैं, और बर्बाद इस कदर कर रहे हैं कि हमारे जान माल की खतरा भी इस सब चीज़ से हो सकती है। ये अथॉरिटी नहीं बनता है इस लड़के को कि ये जो है ड्रोन बना सके और ड्रोन उड़ा सके। इसका जो है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना होता है, UIN से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और इसका जो है डिजिटल एंड स्काई से रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके जो है ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। वो उस पर भी स्थानीय पुलिस से उनसे अनुमति लेकर ही ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो 10 साल की सज़ा हो सकती है। और मैं बता दूं जो धाराएं लगेगी 287 लगेगी और 336 धारा लगेगी और 337 और 338 धारा लगेगी और 10 साल तक हो सकती है जेल। तो आप लोग नहीं जानते होंगे, इसी वजह से मुझे ये इस वीडियो में बताना पड़ रहा है कि ड्रोन के बारे में आखिर कौन कौन उड़ा सकते हैं और कौन बना सकते हैं। ये ड्रोन जो है गैर कानूनी ड्रोन बनाना और गैर कानूनी तरह से उड़ाना जान माल को खतरा हो सकती है, और इस खतरे को जोन जोन लोग जो है इस्तेमाल करते हैं और बनाने की प्रयास करते हैं और बना रहे हैं, उन लोगों को जल्दी से जल्द खोजे, हमारे भारत सरकार से अनुमति हम करेंगे से उस जल्द से जल्द उस लड़के को खोजे, और खोजने के बाद जो है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, और कानूनी कार्रवाई उस पर ही नहीं, उस पर पूरा फैमिली पर कार्रवाई किया जाए ताकि जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक बच्चे जो है इस तरह का हरकत नहीं करते हैं। अगर बच्चे को पैसे लाएंगे कहाँ से, अगर मान लीजिए किट लेना होगा तो किट लेना होता है तो पैसे लगते हैं 2 से 3 हज़ार रुपया, तो 3 हज़ार 4 हज़ार कहाँ से लाएंगे। कहीं ना कहीं गार्जियन जो है से गार्जियन बढ़ावा देता है, तो भारत सरकार से मैं अपील यही करूँगा से इन लोगों को जो है सबसे पहले गार्जियन को अरेस्ट किया जाए, और अरेस्ट करने के बाद जो है इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।